देखिए ये आदमी किस तरह से रुपए उड़ा रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से 2 लाख रुपए हैं ये उड़ा दिया, इस तरह से पूरे परिसर में इसने फैला रखे हैं। आज 1 अप्रैल है, वैसे तो सभी के लिए ये जुमला दिवस कहा जा रहा है, विश्व जुमला दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये खबर बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई है महाराष्ट्र की, जहां संभाजी नगर जो कि इस वक्त विवादों में है, संभाजी नगर जहां पे अभी कल ही रामनवमी के जुलूस में बुरी तरह से इस तरह से विवाद पैदा हो गया, सांप्रदायिक विवाद पैदा हुआ, उसी संभाजी नगर की एक तहसील है फुलंबरी, इस फुलंबरी तहसील का ये मामला है जहां पर ये व्यक्ति ये नोट इस तरह से उड़ा रहा है, हवा में उछाल रहा है और साथ ही आरोप भी लगा रहा है। इसका आरोप क्या है ये भी सुन लीजिए। जमा करून 2 लाख रुपये मी घेऊन आलेलो आहे आणि या पंचायत समितीचा व्हिडिओ मॅडमला हे पैसे आम्ही इथं देतो आहे, त्यांना सांगतोय हे पैसे तुम्ही घ्या आणि आमच्या गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या विहिरी मंजूर करून द्या। दरअसल ये व्यक्ति सरपंच है और फुलंबरी जो तहसील है वहां के गेवराई पारगा के गांव, इस गांव का वो सरपंच है, इसका नाम है मंगेश साबड़े। ये व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि इसने अपने गांव के किसानों के लिए कुएं की स्वीकृति करवानी चाहिए थी, जिस तरह से योजना है सरकार की कि किसानों के खेतों में कुएं बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है, और उसी की स्वीकृति करवाना चाहता था। करीब 20 कुएं की स्वीकृति के लिए उससे जो है रिश्वत मांगी जा रही है, और वो इस रिश्वत की जो विरोध स्वरूप इस रिश्वतखोरी को उजागर करने के लिए वो इस तरह से नोट उड़ा रहा है। एखाद्या आमदाराचं ऐकून फक्त पैशावाल्यांच्या विहिरी करणार असाल, पैशावाल्यांचे गोठे करणार असाल, तर माय बापा गरिबाचं काम कोण करणार? अरे गरिबाला कोण वाली आहे? तुम्ही 20-20 लाख रुपये 1-1 लाख रुपये वर्षाला 20-20 लाख गेले असं आम्ही ऐकलंय। बारमध्ये नासणारीवर जो पैसा फेकला जातो तो व्यवहारच पैसा असतो, पण हा कष्टाचा पैसा आहे, गोरगरीब शेतकऱ्याच्या घामाचा पैसा आहे, शेतकऱ्याचा कापूस अजून विकला गेलेला नाही आहे, शेतकऱ्याच्या घरात पोरीचं लग्न आहे आणि 40-40, 50-50, 60-60 हजार रुपये इथं या पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांना द्यायचे। अरे यांना पेन्शन पाहिजे, अरे यांना 1-1.5 लाख रुपये पगार आहे आणि विहिरी मंजूर करायचे, हे पैसे आणून देत आहेत, पैसे मागतायत। आणि म्हणून इथं एकतर सुनील केंद्रेकर साहेबांच्या कार्यालयासमोर 2 दिवसानंतर जातो, नागडा होतो, भोंगडा होतो, शेतकऱ्याला सोबत घेऊन जातो, भीक मागतो आणि अजून 4 लाख रुपये तुम्हाला आणून देतो, माझ्या 20 विहिरी। सोशल मीडिया में ये वीडियो जबरदस्त रूप से वायरल हो गया और वायरल होने के बाद इस सरपंच की तारीफ की जा रही है कि किस तरह से उसने इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया, लेकिन वहीं पर इस सरपंच के पास इतने पैसे इस तरह से उड़ाकर, वो भी रस्सी की माला से नोच कर उसे फाड़ कर इस तरह से उड़ाने के लिए 2 लाख रुपए कहाँ से आए, इस पर भी बात की जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि करेंसी नोट है, इसे क्यों उड़ाया जा रहा है। हालांकि इस तरह से जो वीडियो है, वहाँ के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं जिसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने भी FIR करवा दी है इस सरपंच के खिलाफ। लेकिन मामला ये है कि भाई भ्रष्टाचार तो है, और निश्चित रूप से अगर रुपए मांगे गए हैं, उससे रिश्वत मांगी गई है, तो इस पर भी खुलासा होना चाहिए, जांच तो इसकी भी होनी ही चाहिए।